प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम कमाने वाले समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बीजेपी से अंदरूनी रिश्तों की बात तो अक्सर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी है। फिर चाहे वो नेताजी का संसद में मोदी की तारीफ करने वाला बयान हो या मंच पर प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने और कुछ कहने का किस्सा हो, ये सभी बातें न केवल राजनीति में बल्कि जनता के बीच भी चर्चा का विषय रही है। लेकिन आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे राजनीति के इस सफर में शिखर पर पहुंच चुके मोदी ने मुलायम सिंह की राह अपनाई है और दोनों के बीच क्या है डाकू कनेक्शन। इस कनेक्शन को जानने के लिए आपको हम थोड़ा पीछे लिए चलते हैं, तो बात करते हैं 20 जनवरी 1994 की, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने मशहूर डाकू फूलन देवी पर लगे सभी 46 मुकदमों को वापस लेकर उसे रिहा कर दिया था, जिसके बाद समाज में सिर उठाकर जीने का मौका देते हुए सपा ने न केवल फूलन देवी को अपनी पार्टी में शामिल किया बल्कि दो बार सांसद बनने का मौका भी दिया। और इसी इतिहास को एक बार फिर से दोहराया गया 21 फरवरी 2020 में। जी हां, बीजेपी के मंच पर जब कुख्यात चंदन और हाथी दांत तस्कर वीरप्पन की बेटी विद्या रानी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, तमिलनाडु के कृष्णगिरी में पार्टी के एक कार्यक्रम में पार्टी महासचिव मुरलीधर राव, पूर्व केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन और अन्य लोगों की मौजूदगी में विद्या रानी को पार्टी में सम्मान के साथ शामिल किया गया। और इस तरह इतिहास को फिर से दोहराकर प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल मुलायम सिंह की राह पर चलकर एक महिला को फिर से सिर उठाकर जीने का सम्मान दिया है, बल्कि दशकों पहले लिए गए मुलायम के फैसले पर चलकर आने वाले भविष्य के लिए एक नया अध्याय भी लिखा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।